सियासत से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, यूपी में सियासत के नए मोर्चे की आहट तेज हो गई है। शिवपाल यादव डीपी यादव के नेतृत्व में एक मंच पर जुटेंगे। शिवपाल यादव डीपी यादव के नेतृत्व में एक मंच पर जुटेंगे। डीपी यादव बालेश्वर यादव सुखराम यादव एक साथ होंगे एक मंच पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबी हैदर जी, एक तरफ जहां यूपी की सियासत में बड़े बड़े बदलाव हम अभी तक देखते आए हैं, अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने खुले स्पष्ट शब्दों में कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के लिए कहा था कि अगर वो बाहर का रास्ता जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, गठबंधन तोड़ सकते हैं। ऐसे में अब ये जो खबर आ रही है कि डीपी यादव जो है उनके साथ मिलकर ये कुछ नया कर सकते हैं शिवपाल यादव। बिल्कुल, देखिए आज एक शुरुआत हम कह सकते हैं, और साफ तौर पर देखिए आज जो यदुकुल पुनर्जागरण मंच सजाया जा रहा है, आदित्य यादव जो हैं पहुंच रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर आदित्य जी एक 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 कुछ शब्द कह दिए, लाइव प्रोग्राम नहीं, नहीं, आदित्य यादव जी तो शिवपाल यादव के बेटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के, और आज जो है हम इस वक्त इन हेडक्वार्टर में हैं। मैं जैसे आपको बता रहा था यदुकुल पुनर्जागरण मंच है, डीपी यादव को अध्यक्ष बनाया गया है और जो शिवपाल यादव हैं वो इसके संरक्षक बने हैं। तो साफ तौर पर देखिए जो यादव की जो राजनीति है और जो राजनीति कभी मुलायम सिंह यादव करते थे और उन्होंने सत्ता को अखिलेश यादव को ट्रांसफ़र किया, अखिलेश यादव ने माई समीकरण बनाए, मुसलमान और यादव को मिलकर सूबे में सरकार बनाई, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, 4 बार एक बार अखिलेश यादव फुल फ्लैश सरकार बनाई, तो अब जो सारी राजनीति है वो इसी जाति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। जिस तरीके से रिश्ते ख़राब हुए हैं, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने दोबारा समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर उनको बैठक में नहीं बुलाया गया, वहाँ से रिश्ते तल्ख हुए, फिर शिवपाल यादव ने जो है वो अपनी पार्टी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी उसको आगे बढ़ाने की जो है वो उन्होंने कोशिशें की, और आज उसी कोशिशों का नतीजा है कि डीपी यादव जैसा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम है, एक बड़ा कद है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों की कह सकते हैं राजनीति, चाहे वो संभल हो, मुरादाबाद हो, बदायूं हो, नगीना हो, ये वो जनपद हैं जहाँ पर डीपी यादव का जो है प्रभाव है, और वो काफ़ी सारे संघर्ष और काफ़ी सारी चीज़ों को पीछे धकेलते हुए एक बार फिर पुनः वो राजनीति में वापसी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या डीपी यादव की वो पुरानी एज है, डीपी यादव की जो आयु है वो बढ़ चुकी है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं, जो राजनीति है वो प्रदेश और देश की जो है काफ़ी बदल चुकी है। तो देखना यही होगा कि ये जो पुनर्जागरण आज हो रहा है यादवों का, ये पुनर्जागरण में और कौन से ऐसे नेता आते हैं और किस तरीके से, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था राजनीति का, या यूं कहें कि जब अलग अलग हुए थे, तो उस वक्त अगर हम लीडरशिप की बात करें तो जितने भी बड़े नेता थे वो सब शिवपाल यादव के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे, और जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जो हैं वो नज़र आए थे। आज मैं एक बात बताऊं आपको, के न्यूज़ के दर्शकों को, सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव खबर है, ये जो कंटेंट है ये हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अभी तक देखिए भगवान श्री कृष्ण को हमने चक्र चलाते हुए देखा था, उनका कहीं पर भी कोई भी अगर फोटो या उनको अगर प्रतीकात्मक रूप से कहीं दिखाया जाता था तो वो उनके हाथ में एक चक्र होता था, लेकिन आज का जो ये मंच है या आज की जो सभा है उस सभा में भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो हैं वो शंख बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यादव हैं उनको जगाने की बात की जा रही है, पुनर्जागरण की बात की जा रही है, दोबारा से जगाने की बात की जा रही है। अब किस तरीके से वो जगाएंगे, क्या कार्यक्रम होंगे, क्योंकि जो शिवपाल यादव हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है वो सैफई मेडिकल कॉलेज में जो संविदा कर्मी थे उनको निकाला गया, उनके समर्थन में शिवपाल यादव इटावा में धरने पर बैठे, काफ़ी लंबा उनका जो है वो धरना प्रदर्शन चला, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ज़मीन पर उतर चुके हैं और एक तरफ वो धरना कर रहे हैं जनहित में और दूसरी तरफ वो यादवों को आज
उन्होंने इकट्ठा करने की शुरुआत की है। इससे पहले वो ईसाई समुदाय का एक बड़ा कार्यक्रम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो ये हॉल है यहाँ पर कर चुके हैं, ये भी खचाखच भरा था। तो देखना यही होगा कि जो राजनीति है इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बड़ा रूप लेती हैं, और शिवपाल यादव मंझे हुए एक राजनेता हैं, संगठन चलाने की उनमें अपार शक्ति है, और एक बार जब उन्होंने ठान लिया है कि उनको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को खड़ा करना है तो यकीनी तौर पर ये कार्यक्रम उनके लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यादव जी देखिए एक बात ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि देखिए शिवपाल यादव भले ही अब एक नए मोर्चे की आहट तेज हो चुकी है, लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी से सिमट कर रह जाएगी या फिर अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी ये उतनी ही प्रभावशाली होगी? देखिए इसको समाजवादी पार्टी के चश्मे से देखना जो है मुनासिब नहीं होगा। इसमें कहीं पर भी जो है उन्होंने जो है वो समाजवादी पार्टी या किसी भी दूसरी पार्टी या किसी भी दूसरे दल का जो है तस्करा नहीं किया है। वो सीधे तौर के ऊपर जो है वो यदुकुल जागरण मंच यानी कि यादवों को जगाने की बात कर रहे हैं, नई सोच की बात कर रहे हैं, नई दृष्टि की बात कर रहे हैं, नए नेतृत्व की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो यादव समाज है उसको एक नई दिशा देने की ज़रूरत है, नया नेतृत्व देने की ज़रूरत है। तो जो नाम आपने अभी गिनाया, चाहे वो बलेश्वर यादव का हो, चाहे वो डीपी यादव का हो, चाहे वो शिवपाल यादव का हो, तो यादवों की जो बीच में जो है ये वो सारे नाम हैं जिनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो देखना यही होगा कि देखिए जो प्रसपा की जो ये आज मुहिम है, ये जो सेमिनार है, ये जो कार्यक्रम है, ये कितना बड़ा जो है वो रंग लेता है या इस मंच पर कितने बड़े लोग जो हैं आते हैं। अगर डीपी यादव को अध्यक्ष बनाया गया है तो डीपी यादव कितनी कोशिशें करते हैं या किस कैलेवर और तेवर से जो है वो जनता के बीच में जाते हैं, यादवों के बीच में जाते हैं, क्योंकि इसमें अभी दूसरी जाति या दूसरे समुदाय या दूसरी किसी की बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ यादवों की बात की गई है, यादवों को जगाने की बात की गई है। तो देखना यही होगा कि ये कार्यक्रम जो है वो कितना बड़ा रूप लेता है। बिल्कुल बिल्कुल छवि यादव जी देखना होगा ये। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और बता दें आपको कि डीपी यादव, बलेश्वर यादव, सुखराम यादव एक साथ एक मंच पर होंगे। कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम यादवों को जगाने के लिए है। हरिओम यादव समेत कई यादव नेता एक मंच पर इकट्ठा होंगे। यूपी में सियासत के नए मोर्चे की आहट तेज हो गई है।